गाइस मैंने बना लिए बहुत ही खतरनाक सी सिटी और इस सिटी के अंदर आप भी खेल सकते हो। बट कैसे, आज के इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूं। इस सिटी के अंदर मैंने कुछ न्यू सीक्रेट चीजें भी छुपा रखी है जो कि आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और ये जो सिटी मैंने बनाई है आप इसमें कैसे खेल सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटी बनाने वाले हैं और गाइस अगले पार्ट के अंदर भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, सामने की तरफ एक मैं घर बनाने वाला हूं जो कि मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन उस घर के साथ मैं काफी सारी चीजें लगाऊंगा, लाइक पेड़ हो गया, खंबा हो गया, खंबे के नीचे की जमीन हो गई, सब कुछ ऐड करने वाले हैं बारी बारी करके। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर घर लगाने के लिए सिंपली मैं आरजेस टूल के अंदर टाइप करूंगा H1। तो यहाँ पर सिंपली हमारा जो घर है वो तो आ चुका है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर आरजेस मोड ऑन करते हैं, तो उसके लिए सिंपली लिखना होगा MD ऑन आरजेस टूल में जाके, ठीक है। अब जिससे कि गाइस मैं ये वाला जो घर है ना इसको मैं मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी। लेकिन एक सीक्रेट चीज मुझे आपको बतानी थी कि इस घर को मैं ऊपर और नीचे भी कर सकता हूँ। हाँ गाइस, मतलब कि इस घर को मैं जमीन में गाड़ भी सकता हूँ और हवा में उठा भी सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसको एकदम सीध में कर लेते हैं भाई, ये पुलिस स्टेशन के, ताकि ओके थोड़ा अंदर घुस गया भाई। तो गाइस देखो मैं अपनी खुद की सिटी बना रहा हूँ ना, तो सब चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना। तो यहाँ पर जरा से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ओके एकदम परफेक्ट यहाँ पर लग चुका है विद दीवार के साथ में। अब देखो गाइस इस घर को है ना आप ऊपर भी उठा सकते हो इस तरीके से। एरो को मैंने ऊपर करा तो घर ऊपर हो गया भाई, ये दीवार के अंदर घुस गया, थोड़ा बाहर निकालते हैं इसको। चलो भाई ये घर को लगा देते हैं गाइस। तो गाइस घर तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये पुलिस स्टेशन की दीवार है ना ये थोड़ी सी खाली खाली लगती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लगाने वाले हैं पेड़। पेड़ के नीचे जो पेड़ वाली ग्रास वगैरह होती है वो भी टाइप करेंगे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने जो घर लगाया उसको सेव कर लेते हैं। SD मैंने टाइप करा तो ये घर अपना परमानेंट यहाँ पे सेव हो चुका है। अब देखो जैसे कि मैंने गेम को रिस्टार्ट किया वो घर वहां से हटा नहीं है अभी तक, ठीक है। और गाइस ये वाली वीडियो ना पूरी देखना, एंड में आपको है ना ये गेम की पूरी फाइल देने वाला हूँ जिससे कि आप मेरी वाली सिटी को खेल पाओगे। और गाइस मैं इसे धीरे धीरे पूरी पूरी बिल्डअप करने वाला हूँ, एंड तक देखना। तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो कमी लग रही है वो है गाइस लाइट। तो यहाँ पर लाइट लगाते पहले लाइट वाला खंबा, सॉरी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपली टाइप करना होगा P1। P1 से आएगा गाइस खंबा। तो यहाँ पर ये खंबा तो आ चुका है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही नहीं लग रही। तो इसके ऊपर एरो टच करके या फिर फिंगर आप टच करके मूव कर सकते हैं इसको। तो एकदम परफेक्ट लगाना पड़ेगा यार मुझे यहाँ से यार। तो अबे यार क्या कर रहा है भाई ये कंट्रोल, थोड़े से आर्डर रोहित भाई इसको फिक्स करो यार प्लीज। यहाँ पर एक चीज को मैं छूने जाता हूँ तो दूसरी चीज भी हिल जाती है, ये बहुत बेकार चीज है। तो यहाँ पर ये अपना खंबा एकदम परफेक्टली लग चुका है। अब गाइस एक खंबा मैंने देखो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, पुलिस स्टेशन के एकदम कॉर्नर पे। अब एक चीज मुझे और देखनी है कि भाई अगर मैं नाइट मोड करता हूँ तो यार ये अपने जो खंबे लगाए हैं क्या इनके अंदर लाइट लगती है? नहीं यार इनके अंदर लाइट नहीं लग रही। रोहित भाई ये वाली चीज करो यार, मतलब जो खंबे हम लगाएंगे उसके अंदर लाइट लगनी चाहिए। अब गाइस इन खंबों के बीच में मुझे पेड़ लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं P4 डायल करता हूँ सबसे पहले। ये देखो ये ग्रास वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2-3 लगा देता हूँ। तो गाइस ये वाले गार्डन मैंने लगा दिए, टोटल 4 लगाए हैं, ठीक है। अब ट्री को स्पॉन करते हैं, तो आरजेस टूल में T1 टाइप करोगे तो पेड़ आ जाएगा। अबे यार वो पेड़ अंदर कैसे चला गया, उसको बाहर निकालना पड़ेगा यार। अबे तू कहाँ पे हिल रहा है यार, ये चीज़ फिक्स करो भाई, एक चीज़ को हिला रहे दूसरी भी हिल जा रही है। चलो भाई पेड़ को बाहर निकालते हैं, पेड़ को पकड़ के अपन को थोड़ा सा पीछे जाना होगा। वो देखो वो दूसरी चीज़ हिल गई यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। चलो भाई ये पेड़ यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब देखना गाइस ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। पुलिस स्टेशन के पास में एक घर है, उसके बाहर एक पेड़ है और इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ऑलराइट गाइस ये देखो भाई साहब, यहाँ पर मैंने सब जगह ट्री लगा दिए, खंबे वगैरह सब लगा दिए और डेटा भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है ना अब। लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं, मैंने जो न्यू घर लगाया था उसके आगे मैं बहुत सारी बिल्डिंग्स और घर लगाने वाला हूँ। वैसे गाइस पुलिस स्टेशन में एक चीज की कमी है, यहाँ पर अपन डालते हैं P5, ठीक है। P5 डालोगे तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है कचरे का डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कचरे की डब्बे की कमी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर MD ऑन करते हैं जिससे कि आरजेस मोड ऑन होगा, इसको हम मूव कर सकते हैं इससे। ओके दीवार के एकदम सटीक लगाऊंगा, अंदर चला गया, रुको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओके चलो भाई परफेक्ट है। एक काम करते हैं यहाँ पर SD टाइप करते हैं ताकि ये डेटा भी अपना सेव हो जाए। ओके अब गाइस ये जो अपना न्यू हाउस है ना इसके बगल में यार कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं यहाँ पर बड़ी वाली बिल्डिंग को ऐड करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मीडियम बिल्डिंग को ऐड करेंगे। B1 टाइप करके देखते हैं कौन सी बिल्डिंग आती है। ओके ये तो घर के अंदर ही घुस गई है भाई, यार ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यार थोड़ा सा मोड में सुधार होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा यार। चलो MD ऑन करते हैं जल्दी से, मोड ऑन होगी। और एक और चीज़, ये बिल्डिंग है ना दूर से मूव नहीं कर सकती, एकदम पास में जाना पड़ता है, तो दिखता भी नहीं है भाई कहाँ पर मूव हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही है। देखो
पूरी यहाँ पर स्क्रीन से बाहर जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे रख रहा हूँ मैं। भाई दिमाग खराब हो गया मेरा, इतना मुश्किल से रखा ना यहाँ पर, देखते भाई सीध में हुई या फिर नहीं। ओके अबे यार मजाक है क्या यार, इतनी मुश्किल से रखी थी भाई, फिर से हिल गई वो। यार कैमरा कैसे मूव करूंगा ऐसे, तो भाई हद हो गई यार, पूरा मतलब कैमरा बिना मेरे कैरेक्टर को चलाना पड़ रहा है पूरी यार, फिर से घर के अंदर कोलैप्स हो गई, फिर से लगानी पड़ेगी। चलो गाइस इसको फिर से एकदम तरीके से मैंने लगा दिया, बस कैमरा को टच नहीं करना यार मुझे। एक काम करता हूँ पहले डेटा को सेव कर लेता हूँ ताकि भाई ये बिल्डिंग फिर से मूव ना हो जाए। आप भी ध्यान रखना गाइस, अगर आपने कोई चीज एकदम ढंग से लगा दी ना तो आरजी स्टोर में जाके SD जरूर टाइप कर देना, मैं भी DS टाइप कर रहा हूँ। ओके SD, तो यहाँ पे डेटा सेव हो चुका है। चलो गाइस अब ये जो घर है ना इसके आगे का काम शुरू करते हैं। तो गाइस ये वाले घर के आगे मैं लगाने वाला हूँ एक और हाउस, तो यहाँ पर सिंपली टाइप कर देते हैं H2। तो ये घर व्हाइट कलर का है आई थिंक यहाँ पर। ओके इसके नीचे तो यार चार दुकानें भी लगी हुई है अब, लेकिन ये फिर से कोलैप्स हो गया बिल्डिंग में, बाहर निकालना पड़ेगा यार। एक तो पास में जाते हैं तभी इसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ा दूर से भी होना चाहिए ताकि एकदम परफेक्ट साइज और हाइट देख ले भाई कितनी दूरी पर है। अरे यार भाई कोलैप्स ही हो रहा है आपस में, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है भाई। बस यहाँ पर थोड़ी सी दीवार, ओके हो गया ना, एकदम परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। चलो गाइस यहाँ पर इस घर को मैंने थोड़ा सा पीछे रखा है, बिकॉज कुछ ज्यादा ही आगे हो जाता तो भाई रोड से बाहर निकल जाता। हो सकता है गाइस अभी आपको मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन अभी देखते जाओ कितनी तगड़ी सिटी बनाऊंगा ना, बहुत बड़ी सिटी बनाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। अब यहाँ पर घर के एक काम करते हैं, यहाँ पर घर के आगे एक पेड़ लगा देते हैं, चलो कितना ज्यादा कूल लगेगा देखना गाइस, आप देखना बस। तो गाइस मुझे T2 वाला पेड़ काफी ज्यादा सही लगता है, उसको लगाते हैं यहाँ पे। ओके ये देखो भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ना दुकान के आगे। ओके ये पेड़ तो काफी बड़े, इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं, चलो दुकान के कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था यहाँ पर, एकदम परफेक्ट। एक पेड़ है ना वहां पर भी लगा देते हैं, पेड़ लगाने से भाई घर की सुंदरता बढ़ जाती है। तो गाइस आप भी अपने घर के आसपास पेड़ लगाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं एक पेड़, यहाँ पर भी मैं T2 वाला ही पेड़ लगाने वाला हूँ, T2 टाइप करते हैं। अब जो अलग अलग घर लगाऊंगा या बिल्डिंग लगाऊंगा वहां पर नए नए पेड़ भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेड़, कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यार इसको, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अरे यार यहीं पर परफेक्ट है। चलो भाई ये पेड़ भी अपना लग गया। अब सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेते हैं, बिकॉज अगर गलती से भी घर इधर उधर हो गया ना भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सेव करने के बाद भले ही करो ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लाइक गाइस ऐसा होना चाहिए, सेव करने के बाद जो बिल्डिंग है ना वो हिलनी नहीं चाहिए, फिर आप है ना MD ऑन कर दो, मतलब RGS मोड ऑन रखो या फिर उससे मतलब नहीं है। सेव करने के बाद बिल्डिंग हिलनी ही नहीं चाहिए जो आपने लगाई थी, ऐसा कुछ होना चाहिए तब तो आएगा मजा। और इसके भी अलावा एक डिलीट करने का ऑप्शन होना चाहिए, लाइक बिल्डिंग वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट हमने लगाए हैं वो डिलीट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो हो सकता है गाइस आप ये मैप डाउनलोड करके खेलोगे, तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक रैंप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो R1 यहाँ पर टाइप करेंगे तो रैंप आ जाएगा, ये देखो सामने रैंप आ गया। अरे यार वो पेड़ों के अंदर चला गया, तो भाई इसको ऊपर से पकड़ते हैं, पेड़ ना हिल जाए भाई, मेरी जो चीज़ है वो नहीं हिलना चाहिए भाई एकदम। ओके इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा ताकि सामने वाली जो बिल्डिंग है ना अपने घर के पास में उसके ऊपर से जंप करके आप निकल सकते हो, जितनी आपकी स्पीड होगी ना उतनी स्पीड से आप जंप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये रैंप मैंने यहाँ पे लगा दिया घर के बिल्कुल पास में। अब इस रैंप के बाद भी हम काम को कंटिन्यू करेंगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ गाइस, बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगा अभी, बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं ये वाले रैंप से हम कितनी ज़्यादा लंबी जंप ले पाते हैं, वैसे मेरी स्पीड काफ़ी कम थी तो मैं शायद ऊपर नहीं जा पाऊंगा। अरे यार भाई स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी गाइस अगर आप भी जंप लेते हो तो। गाइज ये वाले घर है ना जो अपने पहले लगाया था, यहाँ पर एक चीज़ की कमी लग रही है, डस्टबिन की, लेकिन यार उसका चीट कोड क्या था यार, हाँ P5। चलो भाई P5 से बुलाते हैं डस्टबिन को, और इसको लगाऊंगा मैं सामने वाली दीवार के ऊपर, मोड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि भाई मुझे मोड ऑफ करना पड़ता है बार बार, बिकॉज ये जो बिल्डिंग है ना भाई हिल जाती है पूरी। ऑलराइट इसको लगाते हैं एकदम, अरे यार ये जमीन के अंदर चला गया, इसको बाहर निकाल सकते हैं ना अपन, थोड़ा सा बस यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर करना। ओके दीवार के पास एकदम अंदर चला गया, थोड़ा सा बाहर आ जा भाई क्या कर रहा है। ओके लग जा यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है भाई ये कहाँ पे जा रहा है। ओके एकदम परफेक्ट लग गया साइट आई थिंक, थोड़ा सा यार बाहर निकालना पड़ेगा मुझे, पीछे 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 बस अब ठीक है शायद। ओके एकदम परफेक्ट लगा भाई, अब कितना ज़्यादा कूल लग रहा है ये घर। अब गाइस ये वाला जो रैंप है इसके पास में मैं लगाने वाला हूँ एक बिल्डिंग, राउंड बिल्डिंग लगाऊंगा, और राउंड बिल्डिंग का चीट कोड था B10, सबसे लास्ट वाली बिल्डिंग है ये, और इसका चीट, अरे यार भाई पूरी कोलैप्स हो गई है, तो यार ये बहुत हार्ड है यार, और इसका मुंह कहाँ पर है भाई, इसको बहुत मुश्किल होगी लगाने में, बहुत बड़ी है यार दिख भी नहीं रही है। ओके यहाँ तक है, चलो ठीक है इसका जो मुंह है वो आगे करना पड़ेगा मुझे। ओके मुझे लग रहा है कि मैंने एकदम सही से लगा दिया है, देखते हैं आगे चल के यार ऐसे समझ में नहीं आएगा, और ज़रा सा भी एयर अगर टच हुआ ना तो ये बिल्डिंग फिर चल जाएगा। अरे यार इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गई है, रोड पे आ गई भाई पूरी, ऐसे तो भाई ट्रैफिक इसमें ही घुसेगा सीधा आके। यार कितना पास जाऊँ मैं, फिर ही लेगी क्या,
अब हिल रही है, देखो कितना ज़्यादा पास में है। थोड़ा सा पीछे चल, पीछे, और अब देखते हैं थोड़ा घुमा के कैमरा। ओके एकदम परफेक्ट लग गई यार ये तो, मैंने सोचा था थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन एकदम परफेक्ट है। और रैंप अपना बीच में लग चुका है ताकि भाई गाड़ी वगैरह भी इजीली निकल जाएगी बीच में से। चलो भाई अपना इतना काम तो हो चुका है, अब फटाफट से आगे का काम जारी रखते हैं। अब गाइस ये वाली बिल्डिंग के पास में एक प्रॉपर स्टोर लगाने वाला हूं, तो स्टोर का चीट कोड है H10। तो H10 टाइप करने से भाई एक प्रॉपर स्टोर आ गई है। देखो गाइस 3 दुकानें हैं बस और कुछ भी नहीं है, ऊपर की तरफ भी सामान मिलता है इसके अंदर। तो इस बिल्डिंग एकदम चिपका के लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे, ओके थोड़ा सा आगे, बस आई थिंक इतना ठीक है। तो फ्यूचर में कभी सामान चाहिएगा मुझे दुकान वगैरह से तो यहाँ पर आऊँगा मैं सामान लेने के लिए। बस इसके दरवाजे वगैरह थोड़े से ओपन हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। इस दुकान के आगे यहाँ पे थोड़ा सा अपन पेड़ वगैरह भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा कूल लगे। भाई पूरा खाली खाली एरिया अच्छा नहीं लग रहा यार। तो यहाँ पर T2 टाइप करा है मैंने फिर से, और ये आगे अपना T2 वाला पेड़ जो कि काफ़ी कूल लगता है देखने में, तो इसको मैं लगाऊंगा। अरे यार ये हवा में क्यों उड़ रहा है यार, ये हल्का सा हवा में उड़ रहा है, पता नहीं क्यों नीचे भी नहीं हो रहा यार। चलो ठीक है यार, जैसा भी लगा ठीक है, अब लग तो गया। अबे अरे यार मैं तो आगे जा रहा था, यहाँ पे ये बिल्डिंग खसक गई यार थोड़ी सी। चलो गाइस ये वाला काम तो हो गया, अब इसके आगे मैं लगाऊंगा सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग, सबसे बड़ी वाली। तो उसका चीट कोड है B9। और गाइस अभी देखना यहाँ पर बहुत ही तगड़ी चीज करने वाला हूँ मैं, आपका दिमाग हिल जाएगा। अरे यार ये क्यों सरक जाती है भाई, ये क्यों सरक जाती है यार, चैन से सीटी भी नहीं बनाने दे रही भाई साहब। चलो भाई ये बड़ी वाली बिल्डिंग को हम करते हैं साइड में, और इसको भी एकदम, अरे यार कितना पास जाऊं मैं, ओके यहाँ से अभी ये बिल्डिंग पूरी दिख रही है यार, ये सही है। तो यहाँ पर अभी ये घर के अंदर कोलैप्स हो चुकी है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और थोड़ा सा पीछे, इतना ठीक है ना, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है दुकान और इसके बीच में, ऐसा नहीं हो कि भाई यार ये बिल्डिंग कितनी ऊपर है दिख भी नहीं रही कहाँ पे। अबे यार ये तो हवा में उड़ रही है भाई, सही करना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा आगे आ जा, आगे आगे आगे, और थोड़ा सा लेफ्ट, और थोड़ा सा नीचे जा यार थोड़ा सा, बस इतना ठीक है ना, ओके एकदम परफेक्ट है। तो गाइस सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग को मैंने यहाँ पे लगा दिया, बीच में थोड़ा सा गैप रखाया बिकॉज ये अच्छी नहीं लग रही थी चिपका के रखने पर, ठीक है। अभी बीच वाली जगह थोड़ी सी यार मुझे खाली लग रही है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर एक डस्टबिन को लगा देता हूँ। तो ये गाइस यहाँ पर स्टोर के लेफ्ट साइड में लगा दिया मैंने डस्टबिन, कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है ना, थोड़ी रियल होती जा रही है धीरे धीरे सिटी। और अब देखना गाइस कितना ज़्यादा तबाही होने वाली है भाई, यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ ट्विन्स टावर, और एक टावर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में यहाँ पर मैं एक और B9 वाली बिल्डिंग को ऐड करने वाला हूँ। तो B9 से आ चुकी गाइस एक और बिल्डिंग, लेट्स गो। यहाँ पर ये कोलैप्स हो गई है, तो एक काम करते हैं इसको एकदम मैं परफेक्ट लगाऊंगा, मतलब दोनों की साइज एकदम सेम रहनी चाहिए, एकदम इक्वली। और इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखो गाइस ये कोलैप्स हो रही, थोड़ी सी बाहर निकल जाए यार। एक तो यार ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है यहाँ पर एक्चुअल में। तो गाइस यार इस बिल्डिंग को मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे यार ऊपर जाना पड़ेगा बिल्डिंग के। मैं क्या टाइप कर रहा हूँ यार, 330 टाइप करके जल्दी से ऊपर चलते हैं आगे अपना जेट पैक। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आप बिल्डिंग को ऊपर से भी एडजस्ट कर सकते हो। हाँ गाइज अभी देखना। तो गाइज अभी मैं ये वाली बिल्डिंग के टॉप पर आ चुका हूँ, और ये देखो भाई ये सामने वाली बिल्डिंग कोलैप्स हो रखी है, तो इसको थोड़ा सा दूर लेते हैं पहले। ये देखो भाई बिल्डिंग के ऊपर से मैं मूव कर पा रहा हूँ बिल्डिंग को, और इसको मुझे थोड़ा सा नीचे भी लेना होगा, इतना हाइट आई थिंक काफ़ी होगा। थोड़ा सा पास में लेके चलते हैं गाइज, मेहनत लगेगी बट चीज़ बढ़िया बन जाएगी एकदम। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही यार, हो ही नहीं रही, नीचे नहीं जा रही यार, नीचे जा ही नहीं रही, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है। काम करता हूँ सामने वाली बिल्डिंग पर चलते हैं, और जो पहले वाली बिल्डिंग है ना अपनी उसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। मैं ध्यान से कर रहा हूँ ताकि अगर गलती से भी बिल्डिंग टच हो गई ना तो नीचे गिर जाऊँगा मैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करना होगा बिल्डिंग को मुझे, इतना नहीं, ओके भाई एकदम परफेक्ट हो चुकी है। ये देखो गाइस अब यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो भाई एकदम परफेक्ट हो गई। अब गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर एक और नई चीज़ करने वाला हूँ, तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं B9 टाइप करता हूँ RGS टूल के अंदर, ओके B9 से आ चुकी है अपनी एक और बिल्डिंग, लेट्स गो। अब इसको थोड़ा सा भाई मूव करना पड़ेगा यार मुझे। तो गाइस यहाँ पर मुझे एकदम परफेक्टली लगाना होगा इस बिल्डिंग को भाई, ये थोड़ी सी रोटेट हो रही है भाई, कैसे करूँगा यार, टावर के ऊपर मैं टावर लगा रहा हूँ, मतलब बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग लगा रहा हूँ। ये देखो गाइस एकदम परफेक्ट लगाना है इसको भी, ना आगे ना पीछे, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो यार आई थिंक मैं काफ़ी आगे लेके आ गया हूँ बिल्डिंग को, थोड़ा सा मूव करते हैं कैमरा। एक तो मैं कैमरा भी बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा हूँ बिकॉज जरा सा अगर टच हुआ ना फिंगर तो भाई ये बिल्डिंग आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ से लेफ्ट से देखना होगा मुझे, ओके थोड़ी सी बाहर आ गई है भाई, कहाँ पर डालूँ, अरे यार बहुत मुश्किल है ये तो।
हो सकता है गाइस अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तब देखना गाइस। और अनलिमिटेड हाइट भी कर सकते हो इसकी, लेकिन ज़्यादा हाइट अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग को तो एकदम परफेक्ट जमा दिया है। चलो भाई सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेते हैं भाई, वरना ये बिल्डिंग हट जाएगी। SD लिखते हैं और ये अपना डेटा सेव। चलो अब मैं गेम को बैक करके दिखाता हूँ कि मैंने करा क्या। आखिर यहाँ पर देखो, मैं घर के जैसे ही बाहर निकलूंगा यहाँ पर दिखेगा मुझे इतना बड़ा टावर। ये देखो भाई बिल्डिंग भाई डबल कर दी मैंने सीधा, इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी। इससे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग तो है ही नहीं पूरे गेम के अंदर, पूरे मैप के अंदर इससे बड़ी बिल्डिंग नहीं मिलेगी आपको। और अभी भी गाइस काम खत्म नहीं हुआ। ये जो छोटे मोटे घर आपको दिख रहे हैं ना, मैं पूरे मैप के अंदर डालने वाला हूँ। पूरे मैप के अंदर मतलब मैप का हर कोने के अंदर यहाँ पर बिल्डिंग होगी, घर होगी, घूमने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके गाइस अभी ये जो आगे मैंने बिल्डिंग लगाई है इसके आगे का काम शुरू करते हैं फटाफट। तो एक बिल्डिंग में लगाने वाला हूँ यहाँ पर, और इस बार मैं थोड़ी अरे यार मैं भाई चीट कोड में कहा जा रहा हूँ, RJ टूल में जाना होता है। तो यहाँ पर इस बार लगाएंगे B7 वाली बिल्डिंग, ठीक है, जो कि हमें कंटेनर एरिया में देखने को मिलती है। कंटेनर एरिया से याद आएगा इस कंटेनर भी लगाने वाला हूँ अभी, देखना। ओके ये वाली बिल्डिंग तो भाई पूरी कोलैप हो गई है, बाहर निकालना पड़ेगा यार। ये देखो कितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग अभी आपको पता चलेगा, ये देखो पूरी उसके अंदर घुसी पड़ी थी भाई। तो थोड़ा इसको दूर रखना पड़ेगा, अपनी जो मैन बिल्डिंग है ना बड़ी वाली उससे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, इसको गैप रहना चाहिए बीच में। यहाँ पर एक है ना पेड़ लगा देते हैं, बढ़िया कूल लगेगा थोड़ा सा। T1 वाला लगाते हैं इस बार, चलो ठीक है। पहले T2 लगा रहे थे लेकिन अब T1 लगा रहे अपन। तो ये छोटा सा पेड़ है और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ओके बढ़िया, अब एक पेड़ है ना यहाँ पे भी लगाते हैं यार बिल्डिंग के पास में, थोड़ा अच्छा लगेगा। लो गाइस एक और पेड़ यहाँ पे आ चुका है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन ये टावर कितना बड़ा है भाई, ये बिल्डिंग देखो गाइस कितनी ज़्यादा बड़ी है, ट्विन टावर है प्लस यहाँ पर बिल्डिंग देखो कितनी बड़ी है यार ये। चलो भाई अब आगे का काम शुरू करते हैं फटाफट। तो अभी गाइस मैं सबसे लास्ट वाली बिल्डिंग के पीछे की साइड में आ चुका हूँ। अब आप सभी को पता है ये जो बिल्डिंग है ना इसके बीच में गैप हैगा, वहाँ पर हम जा ही नहीं सकते मतलब बिना चीट कोड की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं ना कंटेनर लगाने वाला हूँ ताकि हम इजीली इसके ऊपर चढ़ पाए। तो कंटेनर के लिए C1 टाइप करना है RJ टूल में, और ये देखो कंटेनर आ चुका है। तो इसको एकदम परफेक्ट लगाना पड़ेगा यार, जमीन से थोड़ा सा ऊपर भी लग रहा है ये, इसको भी एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। ओके गाइस यहाँ पर मैंने एक कंटेनर तो लगा दिया, लेकिन अगर हम ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरेंगे तो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे गिर जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसके नीचे एक और कंटेनर लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं वापस से। चलो भाई एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पर मुझे दूसरा कंटेनर भी बुलाना है, लेकिन उससे पहले गेम को सेव कर लेते हैं भाई, क्या पता चले गेम क्रैश हो जाए। ओके अब यहाँ पर बुलाते हैं दूसरे कंटेनर को, तो C2 टाइप करना होगा। C2 टाइप करने पर यहाँ पर ब्लू कलर का कंटेनर आएगा, ठीक है, और C5 तक आप कंटेनर बुला सकते हो। तो यार इसको भी एडजस्ट करना होगा, ये तो भाई जमीन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। लो गाइस ये बन चुकी है अपनी सीढ़ियाँ भाई, कंटेनर की सीढ़ियाँ बना दी मैंने। अब इसको भी सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको इजीली ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ और नीचे उतर के भी दिखाता हूँ, ठीक है। और इस मोड को है ना ऑफ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा MD ऑफ, तो ये मोड ऑफ हो जाएगा। और एक और चीज़ अभी मैं आपको है ना इसका पूरा चीट कोड दूंगा, ठीक है। आपको ये वाली जो फाइल है ना जो मैंने बिल्डिंग वगैरह ऐड करी है, आप अपने मोबाइल में कैसे खेल सकते हो ये भी मैं आपको फाइल अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ और फिर उतर के भी दिखाऊंगा कि हमारा कैरेक्टर गिरता है या फिर नहीं। देखो बिल्डिंग एकदम परफेक्ट आ चुके हैं अपन ऊपर, और बिना गिरे आप नीचे भी उतर सकते हो भाई, ये देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पर अपना अभी का आज का काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसके आगे का काम हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप सपोर्ट दिखाते हो तो इसके आगे का पार्ट भी आने वाला है, उसमें तो सिटी गाइस एक नंबर करने वाला हूँ मैं, इतनी बड़ी सिटी बनाऊंगा ना देखना गाइस आप। चलो गाइस ये वाली सिटी का एक छोटा सा टूर करवाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप ये वाली जो सिटी है ना कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो ये सारी चीजें बनाने में मुझे 1 घंटा लगा था। तो ये बिल्डिंग देखो गाइस, सबसे पहले बिल्डिंग, यहाँ पर पेड़ और एक खंबा ऐड करा है, और पुलिस स्टेशन में एक डस्टबिन को ऐड करा है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने घर ऐड करा था, यहाँ पर भी पेड़ लगाए हैं, डस्टबिन लगाया है, और सामने मैंने एक स्टोर टाइप वाला घर भी लगाया है यहाँ पर। वैसे ये वाला घर काफी कूल लग रहा है, और ये देखो गाइस ये वाला घर डस्टबिन भी लगाया, इसके आगे भी मैंने पेड़ लगाए हैं। उसके बाद मैंने राउंड शेप वाली बिल्डिंग लगाई है, और उसके आगे मैंने प्रॉपर एक स्टोर लगाई है, ठीक है, 3 दुकानें वाली स्टोर है। और यहाँ पर देखो पेड़ लगाए हैं, और भाई ये ट्विन टावर प्लस सुपर हाइट वाली बिल्डिंग डाली है, और इस सबसे लास्ट में ये बिल्डिंग डाली है जिसके पीछे मैंने कंटेनर को ऐड करा है, ठीक है। और मैंने एक रैंप भी लगाया था, तो चलो उस रैंप के ऊपर से जंप करके देखते हैं अपनी बाइक से। तो गाइस अभी मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है, देखते हैं भाई कितनी ऊंची जंप ले पाती है। आई थिंक थोड़ा और पीछे से आता तो और स्पीड बन जाती। ओके बिल्डिंग के ऊपर तो मैं चढ़ जाऊंगा, चढ़ गया भाई चढ़ गया। अब यहाँ पर मुझे ना डबल रैंप लगाना पड़ेगा ताकि और भी ज़्यादा ऊंची जंप ले पाए। वैसे गाइस ये टावर देखो भाई कितना ज़्यादा ऊपर है,
इससे बड़ी कोई बिल्डिंग ही नहीं है आसपास। सब जगह देखोगे आप, कहीं पर भी बिल्डिंग दिखाई नहीं देगी ऐसी। तो चलो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला मैप आप अपने फोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स गो। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फाइल का लिंक दिया है, सबसे पहले वो गाइज वो फाइल डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उस फाइल को कॉपी करके आपको जाना है एंड्रॉइड फोल्डर में, ठीक है, एंड्रॉइड में, फिर डेटा में जाना है, फिर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में जाना है, ठीक है। उसके बाद जाना है फाइल्स में और फिर जाना है RGS में। तो अभी आपको यहाँ पर सेम फाइल दिखाई देगी, तो मैंने जो फाइल आपको दी उसके ऊपर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली गेम ओपन करना है, मेरी सिटी आपके मोबाइल के अंदर।